मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई, अपन रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है इनमें से कोई मारेगा वारेगा, बट हे बाकी कितनी केले खा लो। चलो तुम्हें और झगड़ा लो, समझ गया हूँ मैं। तो जी पहुंच गए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है ये, देख रहे हो मंदिर, वो मेरी मम्मी खड़ी है वहाँ अंदर मंदिर है। रहने वहने का जुगाड़ है वो दिखाऊंगा भी, और इसके अंदर कुआं है जो मैं दिखाऊंगा अभी। अंदर जाने के पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ भी देखो पशु पक्षियों के लिए पानी वानी का सीन है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये जो ज़मीन दिख रही है ना आपको, ये जो ज़मीन दिख रही है आपको यहाँ पे खेती वेती जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये पूरी जो है मेरी मम्मी के साइड की हुआ करती थी, उनके खानदान की। बट सिंस एवरीवन शिफ्टेड इधर उधर, किसी ने आना जाना बंद कर दिया, यहाँ पे केयर टेकर हैं। ये देखो पूरी ज़मीन, ये पूरा का पूरा जो है पूरा ऐसे, और ये सब पीछे उधर तक मेरी मम्मी की फैमिली की तरफ से थी, नानी की फैमिली की तरफ से एक्चुअली। पर इन लोगों ने आना वाना बंद कर दिया इधर, तो लोगों ने गाय माता कह रही है क्या बोल रहा है तू, तो लोगों ने ज़मीन कैप्चर कर लिया। अभी आपको यहाँ की जो कोयल है, कोयल बोले मोर है, उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। पहले बाहर वाला पोर्शन दिखा देता हूँ, फिर अंदर वाला पोर्शन दिखाता हूँ मंदिर अंदर का। मंदिर में एक मशीन लगी हुई है आरती के लिए, वो भी बजा के दिखाएंगे शाम को या सुबह। यहाँ पे मुझे बचपन में याद है इस लोकेशन पे फ़ोटो वोटो खींची हुई है काफ़ी। हालत देख रहे हो कैसी हो रही है, लीकेज चारों तरफ से, पानी वानी निकल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा भाई। ये देखो यहाँ पे लगी एक जेंसर टाइप का है, ये कुछ देखना पड़ेगा भाई। कुआं ये रहा, देख रहे हो वो जो पाइप अंदर गई ना, उसमें कुआं है। खुल्ला क्या? खुला ही है, ठीक है कुआं। ये देखो ये है कुआं जो अंदर दिख नहीं रहा बेटे, कुआं है, यहाँ से पानी जाता है बेसिकली। देख लो रस्सी यहाँ से खींचने गया था, पहले मशीन के थ्रू खींच सकते थे। बचपन में लोग की जगह से गाजर मूली पत्ता गोभी तोड़ तोड़ के खाता हमारे दादू जी लाता जाना आपस से तोड़ तोड़ के। अब और कोई तोड़ा? अब तो लोग बात है गोभी का भी के वो पेड़ देख कितना पुराना है, बचपन से खिलो आ रहा था ना, जब से आ रहे हैं तब से ये पेड़ है। इसके साथ हमारी फोटोज एक्चुअली में है, बचपन में याद है मुझे। तो वो जो जगह मैं दिखा रहा था कैप्चर करी थी, वो देखो उधर से शुरू हो रही थी, इधर से आई और यहाँ पीछे तक जा रही है। ये दीवार जो बनी है ये अवैध कब्जा है सारा का सारा, यहाँ पे भी पानी का, दिस इज ऑल इलीगल कैप्चर जो यहाँ पे होया हुआ है। बट देन अगेन अब तो हो गया जी, जिसने ले लिया वो ले लिया, तो ऐसे ही चलता है। देखो अब अंदर चल के दिखाता हूँ, ठीक है चलो लेट्स गो। चलो जी दरवाज़ा खुल गया, अब जा रहे हैं अंदर। मंदिर खुलने का समय 4 बजे, सुबह की आरती 5 बजे, दरवाज़ा बंद होने का समय 11 बजे, सांझ की आरती 8 बजे, शाम को मंदिर 4 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद हो जाते हैं। बट नशा करके आना, नशा करना मना है, थूकना मना है, बगीचे में बिना पूछे पुष्प तोड़ना मना है। आने वाले भक्तगणों से प्रार्थना है कि मंदिर में रखी सुझाव व शिकायत पुस्तिकाओं में अपने सुझाव व शिकायत लिखे, जिससे व्यवस्था सुंदर बनाई जा सके। तो ये जो आप रूम्स देख रहे हो, ये जो रूम्स देख रहे हो, ये यहाँ पे रहने का जुगाड़ है। थोड़ी हालत टाइट हो गई है भाई यहाँ पे, जंगल वंगल तक ये देखो, ये रूम्स है, इनमें से किसी में रुकूंगा आज मैं, कोई एसी वैसी नहीं है, कोई रूम वो नहीं है, एसी वैसी नहीं है, छोटा सा मंदिर इधर है।
थोड़े दर्शन करा देता हूँ, फिर अंदर मंदिर में लेके चलता हूँ आप लोगों को। और ये पीछे यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं, ये है नहाने की जगह, नहाने की और समझ गए ना, बड़े काम की जगह। ये देखो अभी यहाँ पे आपको थोड़ी देर में क्या, अभी चलते फिरते कोई ना कोई मोर भी दिख जाएगा गुंबद पे बैठा हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ। ये एक स्कूटर है जो चलता नहीं है। पशु पक्षी घूम रहे हैं, ऊपर जा सकते हो, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ हैं, बाद में लेके जाता हूँ बिल्कुल। फिलहाल तो ऐसे दर्शन करा दूँ। अच्छा जी, ये मशीन भी है यहाँ पे कोका कोला की, मिठाई की दुकान। अच्छा जी, मिठाई की दुकानें चल रही है यहाँ पे। अच्छा, बदमाशियाँ। मुझे नहीं पता मैं गलत चल रहा हूँ क्या, मैं इनके बीच में जो चल रहा हूँ, आई थिंक मुझे घास पे नहीं चलना चाहिए एक्चुअली। मैं दिस इज बैड ऑफ मी, आई शुडंट बी डूइंग दिस। चलो मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको। के कुछ को नहीं होगा, ये है मंदिर। ये है वो मशीन जिसको ऑन करते थे, टनाटन टनाटन फुल दूर तक आवाज आती है, इसमें पूरा चलता है ये। और ये है सायरन लाउड स्पीकर। शिव जी तो ये है मंदिर जो आप ब्लॉग में देख रहे हो, और आप प्रीटी श्योर फेसबुक लाइव के ऊपर आप लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हो। तो ये यहाँ पहुँचने का है, अभी रूम खुलेगा तो रूम भी दिखाता हूँ। कई मेरे कज़न आने वाले हैं एक दूसरे शहर से, मेरी कज़न और उसका भाई बेसिकली, मतलब मेरे कज़न्स। तो होगा मैं तो यहीं रुकूंगा रात को, मेरा तो मन है तो रात को यहीं रुकेंगे। अगर इन केस नहीं रुक पाया तो फिर उनके साथ हम आगे निकल जाएंगे, बट रूम वूम दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ रुकने की, मज़ा आएगा। बिना एसी, बिना कूलर किसी चीज़ को सोने में बहुत मज़ा आएगा। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मकोड़े यहाँ पे इतने बड़े बड़े मकोड़े हैं, काट ले अगर गरम। ठीक है, रूम्स का वेट करते हैं अभी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना, लाइक मार देना। और हाँ, जय श्री राम, आगे देखते रहो। अंदर चल रहा है, खाने पीने का कर लेता हूँ अभी। मोस्ट प्रोबली हमारे बहुत रिश्तेदार है भाई यहाँ पे, राजस्थान भरा पड़ा है। तो अभी मेरी मम्मी के मामा जी यानी मेरे एक नाना जी के घर जाएंगे, फिर मेरी नानी का जो घर है उसको देखने जाएंगे, काफ़ी ख़राब हालत में है क्योंकि रहता नहीं है वहाँ पे कई सालों से कुछ। और मेरी मम्मी का क्लेम है कि एक हवेली है वो, जिसकी दीवारों से मेरी मम्मी बचपन में कूदा करती थी, और चूँकि उनकी दीवारें छोटी हुआ करती थी तो राजस्थान में रतनगढ़ में जिस जगह पर मैं हूँ उस टाइम रेलवे स्टेशन ऐसे डेवलप नहीं था, तो ट्रेन जो है सर्कल जब काटती थी ऐसे दिखता था कि सर्कल काट रही है पूरे शहर का बाहर जाने के लिए। तो उसको देखने के लिए मेरी मम्मी जो है छत पर जाया करती थी। वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, वो लेकिन डिफरेंट ब्लॉग्स में होगा। अभी रूम्स खुल गए हैं, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो यू वन ऑफ द रूम्स। अगर एक रूम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, वो देख लो यहाँ रहने का क्या जुगाड़ है। This is how you stay busy. क्या हाल भाई? अरे आप खुद आ गए क्या? ये देखो, ये हमारे मामा जी हैं। तो रात यहीं पे आज, ये उनके बेटे हैं। क्या नाम है भैया आपका? पंकज। ये पंकज भाई हैं हमारे। आपका क्या नाम है भैया? विनीत। ये हमारे विनीत भाई हैं और ये हमारे मामा जी हैं। तो रात का जुगाड़ ये है सोने का। ये रूम्स बने हुए हैं काफी 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 सारे। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर वॉशरूम बन सकते हैं बेसिकली। नहाने का जुगाड़ है भी ऐसे डेवलप नहीं होता ना, बट ठीक है। तो नथिंग फैंसी, नो एसी, नो कूलर, नथिंग, मज़ा आएगा।
जूते पहन के आते हैं यार, ऊपर दिखाई देता हूँ क्योंकि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, यहीं पे ऐसे नहीं ये सब चीज़ें दिखा के, उसके बाद मार्केट में जाने का, दूसरे लोगों से मिलने का इन, वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो मैं शूज़ क्यों अपने सॉक्स की ऐसी तैसी कर रहा हूँ, मैं छत पे चलते हैं और छत पे दिखाते हैं आपको। फिर हमारे भतीजे भतीजी हैं, पहली बार मिलूँ मैं लाइफ में उनसे, उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। एक ने तो दांत तोड़ रखा है अपने सामने का, चुड़ैल जैसी बनी हुई है अभी ये वो वीडियो देखेगी तब उसको पता चलेगा कि मैंने उसको चुड़ैल जैसी दिख रही है बोला है। पर यहाँ से चलते हैं ऊपर, मोर चिल्ला रहा है काफ़ी देर से। शाम को जब पूजा होती है, वो जो गुंबद है ना, शाम को सुबह जब पूजा होती है उस टाइम पे मोर आके उस पर बैठता है, एग्जैक्टली पूजा के टाइम पे। ये छत, इस पर कुछ नहीं है, ठीक है, पानी का टंकी होगा ये पहले, और ये व्यू है यहाँ से, और ये मैं हूँ। आई मैंने फिर से मम्मी से बाम लगवाया हाथ में, पेन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। एज़ सून एज़ आई कम बैक टू दिल्ली, एक औरतों से मिलना पड़ेगा मुझे, जस्ट टू सी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जिम का नहीं है, मुझे पता है जिम में कुछ नहीं हुआ है। ये मंदिर है, फाइनली आप लोगों को सुना पाए मोर की आवाज़, फाइनली। एनीवेज संदा यहाँ बैठा है, वो कहीं पर छुप के मेरे को कोशिश करता हूँ देखिए कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है दिख जा, है यहीं कहीं पेड़ में अंदर नीचे नीचे छुपा हुआ कहीं पे। ओहो हाथ में गर्मी लग रही है बाम की वजह से, तो मोर की आवाज़ भी सुनाई दे दी। चलो अभी नीचे भतीजे से मिलवाते हैं एक बारी, फिर उसको रैप अप करेंगे, फिर देखते रहो। चलते हैं नीचे, आपको अपने बाकी परिवारजनों से मिलवाते हैं, और ये वाला व्लॉग आज के लिए, ये वाला व्लॉग एपिसोड फिनिश करते हैं, ठीक है। दिक्कत यही है बस रात को सोने की, पंखा और ए सी वैसी तो चलो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कूलर वूलर कीड़ियाँ मंगाते, कीड़ियाँ बोले तो चीटियाँ, ये देखो ये जा रही, इसको काफ़ी देर से बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये देखो आ रही, फ्रूट डाला था वो भी नहीं खाया इसने। एनीवेज देखो ये है नव्य, इधर आ बैठ जा, नाम बताओ कौन सी क्लास में हो, दांत किसने तोड़ा, अपने आप क्यों तोड़ा, गिर गई कैसे, गिरी जोर से बोलो बारिश में गिर गए, यही होगा बदमाशी करोगे तो। भैया कहाँ हैं, भैया को बुलाओ, अभी इसके बड़े भाई से मिलवाता हूँ। ये देखो नाम बताओ भाई, यश, इधर आ जा, शर्मा क्यों रहा है, कौन सी क्लास में, एट्थ में, आगे क्या करेगा, कुछ तो सोचा होगा बिजनेस में जॉब नहीं करनी, लगा रहता है जॉब वॉब है ना, लगा रहता है, देख लो भाई पक्का मारवाड़ी है ये, जॉब वॉब नहीं जाना। तो वो थी नव्या, ये है यश, अभी अपने कज़न से भी मिलवाता हूँ, उनकी वाइफ से भी मिलवाता हूँ, अपनी बहन से भी मिलवाता हूँ, मेरे भाई से तो ऑलरेडी मिल चुके हो, कुछ बोलना नहीं, नहीं, नहीं। बोल अरे बोल अरे बोल बोल अरे शर्मा मत बोल, गर्लफ्रेंड कितनी है ये बता, चलो नहीं है, एक तो होगी, एक भी नहीं है, ऐसा क्यों, इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियाँ पसंद नहीं है, लड़के पसंद है, नहीं क्या पसंद है लड़के, अरे बता दे
कोई बात नहीं बता दे। अरे कुछ है नहीं। मैं लड़कियां पसंद है ना, ऐसे लड़कियां पसंद है ना। तो कोई है नहीं, कोई है नहीं, चलो कोई है नहीं। अरे मुझे बाहर दिख गई कुछ गायें, गिलहरी भी दिखी यहाँ तो ऑब्वियसली, बट वो भाग गई है, उसको कुछ फ्रूट्स रखे हैं खाने को, मैं जा रहा हूँ गाय को खाना खिलाने के लिए। दिल्ली में तो देखो गाय ढूंढनी पड़ती है, यहाँ गाय तुम्हें ढूंढ लेती है। तो कुछ केले हैं, बब्बू घोषे हैं, आप लोग उनको क्या बोलते हो पता नहीं है, हम तो बब्बू घोषा ही बोलते हैं। तो बाहर गाय बैठी है, उनको अभी खिला देते। वो जो गाय देख रहे हो ना दूर से, वो जो देख रहे हो बीच में चल के मेरे पास आ गई थी, डर आते हुए मुझे। पर यहाँ पे एक बछड़ा है, उसको खिला दूंगा मैं। डर तो लगता है, अब देखो वो भी आने की तैयारी कर रही है। खा ले, क्या हो गया, उतना बड़ा तो है ही नहीं। वो भी आती है, अब उससे मुझे डर के भागना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ी तेज चाल में चल के आ रही है। मैं रिस्क नहीं लूंगा, अपन रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है इनमें से कोई मारेगा वरेगा। Hey! बाकी के तुम केले खा लो। चलो तुम ही हो झगड़ा लो, समझ गया हूँ मैं। उधर दिया वो, उधर 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 बोरा। अभी के लिए इतनी, बाद में और ढके। वो देखो छोटा बच्चा तो अभी खा ही नहीं पाया बेचारा, स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट। अब नहीं है मेरे पास कुछ, अरे पीछे पीछे मत आना, डराने का नहीं है क्या? एक तो खिलाओ, ऊपर से गुस्सा दिखाओ, हैं? क्या बदमाशी है, क्या बदमाशी है? बस गुस्सा कर लो। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, समझ में आ गया क्यों मैं गाय मारी माता, क्योंकि मारते हो भाई तुम सबको। बस अब बाय बाय, बाकी का नेक्स्ट राउंड ऑफ विजिट में हो गया जी, छोटा सा काम। अभी व्लॉग चल रहा है और चलेगा, अभी कजन आएंगे तब तक चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। और लोकेशंस दिखाऊंगा अभी हमारे घर वालों के, खानदानों की। सुनाई दिया था अभी चिल्ला रहे मोर काफ़ी देर से, पर जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ तभी नहीं चिल्लाते। बस देखो तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, गांव में एक पागल औरत मिली है मुझे, लड़की कह रही थी अपने आप को, बट देखो गलत फहमी हर किसी को होती है जीवन के अंदर। उम्र चली गई है, वो मंदिर में बैठ के देखो मेकअप कर रहे हैं, ये गांव की पागल औरत। बहन जी कैसे चले गए ऐसे? इधर गांव में बाबूजी सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है बाबूजी, क्या करें, ये गांव है हमारा, देश है राजस्थान, धरती धुरारी, धरती धुरारी, इधर सब चलता है, इधर आदमी हर कुछ कर सकता है, सब जुगाड़ होता है बाबूजी इधर। आपको कोई भी जुगाड़ चाहिए आप मेरे से संपर्क करिएगा। तो मसाला पापड़ तो इसे बनवा लिए सर। पापड़ मसाला रात को मिलेगा, समझ रहे हो ना, किस चीज़ के साथ। चलो एनीवेज आज के लिए इतना ही,
ठीक है, जय श्री राम। चलो जी, ये भाभी जी हैं, वो मेरा कज़न है, ये मेरी कज़न है, हाथ फैला दो। देखो वो मेरी मम्मी है, ये इनकी वाइफ है, भाभी जी हैं, ये हम हैं, और ये आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म है। ठीक है, अगले में मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। और हाँ, अभी तक अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनका कहर टूटेगा तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो? तो शिव जी के गुस्से से बचना चाहते हो तो अभी कभी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओनली देन मूव फॉरवर्ड। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं आपको इसी चैनल के ऊपर, स्टाइल रक्स के, स्टाइल रक्स ब्लॉग्स के ऊपर। जय श्री राम, जय हिंद।